असद हनीफ है, आमिर लियाकत है, हर काम कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से रमजान ट्रांसमिशन रह गई है खाली। पीपल्स पार्टी की तो सबसे अच्छी बात ये कि पहली बार कारोबारी आदमी को मैंडेट दिया है। कारोबारी आदमी हो सकता है, कारोबार करने के लिए आया हो। कराची की आवाम पाकिस्तान की सबसे बाशऊर आवाम, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आवाम। बिल्कुल जफर अब्बास का किरदार है पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवाने में आपको। बस कोई भी आएगा ना और जिम्मेदारी लेगा नॉर्थ हैदराबाद, मैं उसको हर जगह पे जिम्मेदारी बन दूंगा। एक आम शहरी है, मतलब जो कराची की लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की वो फारिग है। मुझे एमक्यूएम से नाराजगी नहीं करनी है, मुझे जमात इस्लामी से नाराजगी नहीं करनी। मेयर यूसी चेयरमैन को देगा फंड, यूसी चेयरमैन अपने काउंसलर्स को देगा, काउंसलर्स काम करवाएंगे। आप कोई चेयरमैन नहीं, काउंसलर भी नहीं है मैंने अभी, आपको कैसे फंड्स मिले? सारे जहांगीर से सोच सकते थे गुजरेंगे, आज आप जाएं आपको लगेगा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से गुजर। कराची के लॉन्डो के लिए सिर्फ एक चाय का होटल रह गया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो चाय के होटल में बैठे हुए या पैकेज करवा के बातें कर लिए। नक्शा बदल दूंगा। ऊपर पहाड़ देखा है आपने? क्या उस पहाड़ पे डेवलपमेंट का हमने सोचा? दरख्त लगेंगे, ऊपर आबादी होगी, गोरे आएंगे पहाड़ चढ़ने के लिए। पे सर पूरा शहर बनता है, पूरे एक शहर का फंड जो है कराची को मिलना था वो कॉम्प्रोमाइज कर गई पीपल्स पार्टी और जमात इस्लाम। कराची के डोमिसाइल पे नॉर्थ नाजमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के शनाख्ती कार्ड पे नौकरियां, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछरा है। 8 फरवरी के बाद होगा या 8 फरवरी तक है? उसे नहीं बोलेंगे, दिल से बोलेंगे कि वोट किसका है।